एवरेज स्पीड की यदि मैं अगर बात कर रहा हूँ आपसे, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप शिरडी से आप मनमाड़ गए हो और मनमाड़ से आप वापस शिरडी आए हो, तो मैंने आपको कहा यार आपकी गाड़ी की जो स्पीड है वो कितनी थी, तो आप मेरे को ऐसा तो नहीं बताओगे कि मैं शिरडी से कोपरगांव तक 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, कोपरगांव से मनमाड़ 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया फिर उसमें रिटर्न आया। नहीं, आप मेरे को बताओगे मैं ऑन एन एवरेज में 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहा था, यही बताओगे ऑन एन एवरेज में 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहा था। सो वही चीज हमें यहां पर निकालनी है कि जो एवरेज स्पीड होता है एक्चुअल में, आप लोगों ने अभी तक ये पढ़ा है कि एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। लेकिन ये तो हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 7th या 8th क्लास में इसको जाना था, लेकिन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में जब हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं कि आपको क्वेश्चन ऐसा आएगा कि ए की जो एवरेज स्पीड है वो ए की जो स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, बी कार जो है उसकी जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर, तो एवरेज स्पीड क्या होगी ऐसा करके, तो वो वाली जो चीज है वो आप यहां से नहीं निकाल सकते, उसका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में एक फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का, तो वो फॉर्मूला आता कहां से, पहले तो इसको जानना है फिर हम क्वेश्चनों को समझेंगे। क्लियर हो गया? तो देखो एवरेज स्पीड का जो आपका फॉर्मूला है, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बना कैसे, फिर हम उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो देख, जैसे कि मैंने आपको कहा ये एक पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट बी है, मैं पॉइंट ए से मेरी कार एक्स किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रही है पॉइंट बी तक, और पॉइंट बी से अब मैं ए पर आ रहा हूं। देखो ये है डिस्टेंस मेरी पूरी, एक्स और वाई के बीच जो डिस्टेंस है वो है डी, ठीक है, ए की जो पॉइंट है मैं पॉइंट ए से बी पर जा रहा हूं एक्स किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और पॉइंट बी से मैं ए पर आ रहा हूं वाई किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, लेकिन डिस्टेंस तो सेम रहेगी ना, चाहे आप ए से बी पर आओ या बी से ए पर आओ डिस्टेंस तो सेम रहेगी। अब आप मुझे ऐसा तो नहीं बताओगे सर मैं शिरडी से कोपरगांव तो सही रोड से गया लेकिन कोपरगांव से शिरडी जो है मैं शॉर्टकट से आया, नहीं, हमें तो यहां पर एवरेज स्पीड बतानी है, तो आप ए से बी पर जाओ और बी से ए पर आओ डिस्टेंस तो सेम रहेगी, पॉइंट ए पर आपकी कार एक्स किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, आप जब रिटर्न आ रहे हो तो वाई किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी एवरेज स्पीड क्या थी आने जाने में, आपकी एवरेज स्पीड क्या थी कार की, तो मेरे को एक बात बताओ जो एवरेज स्पीड होता है वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, अरे यही बताया था अभी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम यही होता है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, सुन लो, पहले तो आप ए से बी पर गए तो डी किलोमीटर, और फिर बी से ए पर आए तो डी किलोमीटर, टोटल करना इसलिए प्लस कर दिया, समझा, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब टोटल टाइम क्या होगा सर, टाइम तो होता है क्या डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो यहां पर सबसे पहले हम टाइम लेते हैं ए से बी का, क्या लेंगे डिस्टेंस है डी, स्पीड कितनी है एक्स किलोमीटर पर आवर प्लस टोटल टाइम बोला इसलिए प्लस करो, उसके बाद बी से जब आप ए पर आओगे तो भी डिस्टेंस सेम ही रहेगी, तो ये हो गया डी डिवाइडेड बाय स्पीड कितनी है वाई किलोमीटर पर आवर। अब जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो डी प्लस डी क्या मिल रहा है, टू डी डिवाइडेड बाय 2D डिवाइडेड बाय, इसको जब आप सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके एक्स वाई, ये हो गया आपका एक्स डी प्लस वाई डी, तो ये कितना हो गया यहां पर 2D डिवाइडेड बाय, यहां से मैं D कॉमन ले लू तो ये क्या मिल जाएगा हमें एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, ये D से ये D कैंसिल, ये एक्स वाई ऊपर चले जाएगा तो यहां से आपका कितना बन जाएगा ये 2xy अपॉन x प्लस y, यही आपका एवरेज स्पीड का क्या हो जाएगा फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर है इतनी चीजें? यही चीज हमें जाननी थी कि x एवरेज स्पीड जो है वो 2xy अपॉन x प्लस y, ये फॉर्मूला बनता कहां से,
तो पहले हमने इस चीज को देख लिया, अब हम इस फॉर्मूले पर डायरेक्ट वैल्यूज पुटअप करेंगे और आंसर लाएंगे। क्लियर है सभी लोगों को? चलो इतनी चीजें आप लोग एक बार नोट डाउन कर लें।